ओम शांति। हमारा जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में कई सारे लोग मिलते रहते हैं और कई लोग कुछ कुछ समय तक साथ साथ चलते रहते हैं, और फिर जब हम आगे आगे बढ़ते हैं तो हमने जो कर्म किया है उस कर्म के आधार से कोई न कोई परिस्थिति लाने के निमित्त कोई न कोई व्यक्ति बन जाते हैं, और जब वो परिस्थिति आती है तब हम उसको नाम देते हैं, प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम है, विघ्न है, क्या करूँ मैं, और हम डर जाते हैं कैसे मैं सॉल्व करूँ, कैसे मैं इस प्रॉब्लम को मिटाऊँ। बात ये है, जिसको हम प्रॉब्लम कह रहे हैं उस प्रॉब्लम को पहले मेरे अंदर परखने की शक्ति चाहिए। जिसे हम प्रॉब्लम 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 कह रहे हैं, रियली इज इट अ प्रॉब्लम, या फिर मैंने बार बार सोच सोच कर उसको मैक्सिमाइज कर दिया, उसको बड़ा बना दिया, उसको प्रॉब्लम बना दिया। सेकंड, अगर वो प्रॉब्लम है तो ओके, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो होता ही है ना, जैसे हर लॉक को चाबी तो होती है, हर समस्या का समाधान होता ही है, वैसे हर प्रॉब्लम को कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है। तीसरा, ये प्रॉब्लम कब मिटेगा, कब मिटेगा? मिटेगा, जरूर मिटेगा, लेकिन उसके लिए हमें कोई ना कोई सही उपाय करना चाहिए। अच्छा, और एक बात, क्या मैं उसको सिर्फ प्रॉब्लम के रूप से देखूं या और कोई रूप से, लाइक लर्निंग लेसन, प्रैक्टिकल? जैसे हम देखते हैं ना स्कूल में, देखो बच्चों को रहते एक थ्योरी का पेपर और दूसरा प्रैक्टिकल, राइट? तो वैसे ही अगर हमने कुछ सोचा है, थ्योरी आज तक कुछ सुनी है और उसका प्रैक्टिकल चल रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल, कई बार आजकल रिश्तों में कंप्लेन आती हैं, हस्बैंड वाइफ, सास बहू, ये ना मेरे पर बहुत गुस्सा करते हैं, और जब वो गुस्सा करते हैं, स्पेशली वाइफ कहती है, ये जब गुस्सा करते हैं ना, बस मैं वहाँ से हील ही नहीं सकती, मुझे सिर्फ सुनना पड़ता है, मुझे सारा सुनना पड़ता है, मैं एक शब्द बोल नहीं सकती, मैं डर जाती हूँ, ये बहुत गुस्सा करते हैं। ओके, ये प्रॉब्लम हो सकता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, सास बहू के बीच में, आजकल कई बार बहुएं भी सास को बोलती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस? अगर हम डरते रहेंगे, वो जब गुस्सा करते हैं ना, मुझे सहन नहीं होता है, तो मैं बोल नहीं पाती हूँ, तो मैं अंदर ही अंदर में, जैसे अपने अंदर वो सुनते सुनते मेरे बॉडी पर असर हो रहा है, मेरा बीपी शूट हो जाता है, मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरा मन की एनर्जी लो हो रही है। क्यों हो रहा है? बिकॉज मेरा उस प्रॉब्लम को फेस करने का तरीका सही नहीं है। तो फिर मैंने उसे फेस कैसे करना है? जिसको भी गुस्सा आता है, जो भी रिश्ता गुस्सा करता है, समझ लो जब वो गुस्सा करता है और वो हमारे सामने है, हम उनके ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते और नहीं कर पा रहे, दोनों चीज़ें सही हो सकती कि हम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए और हम नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो फिर क्या करें? सिंपल बात, हम उस समय अगर एक बात अपने मन को कह दें, जो गुस्सा कर रहा है ना, वो एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग, कितना गुस्सा होना चाहिए, फुल गुस्सा होना चाहिए उसकी, वो फुल एक्टिंग कर रहे हैं। अभी जब भी कोई एक्टिंग देखते हैं तो उस समय हम कैसे रहते हैं? प्रेक्षक, साक्षी, डिटैच ऑब्जर्वर, बस साक्षी होके देखो, कुछ बोलना तो है नहीं, साक्षी होके देखो, चुप बैठो, कुछ मत बोलो, सिर्फ ये कहो, यस यू आर राइट, यू आर राइट। एटलीस्ट क्या हो जाएगा, सामने वाले का गुस्सा डाउन 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 होता जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक ने गुस्सा किया, दूसरे ने किया, तो घर तो महाभारत बन जाएगा। हमें वो नहीं करना है, हमें सामने वाले को शांत करना है और मुझे खुद को भी शांत करना है। दूसरा, और एक अच्छी बात क्या कर सकते हैं,
कई बार ये जो सीन है, ये जो एपिसोड है, एक ने दूसरे के ऊपर गुस्सा करना, ये एक दिन का नहीं होता है। कई बार कहते हैं, अरे ये सालों से हमारे घर में चल रहा है, सालों से, महीनों से चल रहा है, हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो फिर क्या करना है? हो सकता है कोई कोई परिस्थिति कई सालों तक, वर्षों तक चलती है। एक आपके अंदर डेयरिंग है तो आप उनको शांति से समझाओ, सही क्या है, गलत क्या है, शांति से समझाओ। दूसरा, अगर वो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है तो ओके, चलो। जो लोग वाणी से नहीं बदलते, वो वाइब्रेशन से बदलते हैं। योर वाइब्रेशन स्पीक लाउडर दैन योर वर्ड्स। हमारे वाइब्रेशन ने, हमारे शब्दों से ज़्यादा पावरफुल शक्ति है, ज़्यादा शक्ति है। तो चलो, मुझे अपने वाइब्रेशन को यूज़ करना है। क्या समझे? हम ये समझे, ये व्यक्ति एक्चुअली मेरा एक प्रैक्टिकल पेपर है। ये मेरे अंदर की सहनशीलता, मेरे अंदर शांति कितनी है, बस उसका टेस्टिंग चल रहा है। और मुझे इनका कोई भी शब्द मुझे सीरियसली नहीं लेना है, मुझे सीरियसली नहीं लेना है। कुछ जो बोलना है बोलने दो, मैं उस समय कुछ और अलग सोचूं, और सिर्फ मैं शांति से, बस शांति से बैठूं, मन ही मन उनको शांति के वाइब्रेशन देती जाऊं, और मन ही मन ये कहूं, बस आप शांत हो रहे हो, आप शांत हो रहे हो, आपका गुस्सा एकदम ख़त्म हो रहा है, आप शांति स्वरूप आत्मा हो, शांति स्वरूप आत्मा हो। क्या ये वाइब्रेशन हम अपने मन से दे सकते हैं? क्या हम ये थॉट्स कर सकते हैं? व्हाई? योर वाइब्रेशन स्पीक्स लाउडर दैन योर वर्ड्स। अगर मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैं खाली इतना तो करूँ, तो क्या हो जाएगा? यस, हम शांत रहे, हम धैर्यता को धारण किए रहे, पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते रहे, क्या हो जाएगा? उनका गुस्सा ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा, घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, और उन्हें अपनी कमी गलती समझ में आ जाएगी। हम यही चाहते हैं ना, कि वो अपने आप को सुधारे, गुस्सा शांत, घर शांत, रिश्ता शांत। ओके, ओम शांति।